हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि जानते हैं कि टैली ERP 9 हम लोग सीख रहे हैं और यहाँ पर हम एजुकेशनल मोड में वर्क करेंगे क्योंकि एजुकेशनल मोड बिल्कुल फ्री है। और सवाल ये है कि तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर आपको दिख रहा होगा, इसका वी हाईलाइट है। यहाँ पर देखिए ये वी ऑप्शन जो है हाईलाइट है, यहाँ पर हमें सिर्फ वी प्रेस करना है और हम आ जाएंगे वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें पेमेंट वाउचर दिख रहा है, पेमेंट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है, जैसे कि साइड में यहाँ से पट्टी सी बनी हुई है आपको दिख रही होगी, यहाँ पर पेमेंट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो F5 होती है। तो F5 हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी पेमेंट वाउचर में हैं। लेकिन हमें कहाँ जाना चाहिए, तो हमें जाना है अभी परचेज में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं परचेज वाउचर में और समझते हैं पेमेंट का और अगेंस्ट रेफरेंस का और रिसीविंग का और अगेंस्ट रेफरेंस का चक्कर क्या है ये, ठीक है। तो हमें सप्लायर से जो बिल मिलता है उस बिल की एंट्री हम यहाँ करते हैं। तो सपोज कीजिए सप्लायर ने हमें जो बिल दिया है वो 678 नंबर का है और यहाँ पर किस डेट पर वो बिल दिया है वो देखना होगा। तो जैसे मान लीजिए डेट चेंज करना है तो आप F2 प्रेस करके डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि वो 1 मई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 मई हो गया और यहाँ पर 2024 कर देते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो डेट चेंज हो गई है लेकिन यहाँ पर आपको डेट 1 अप्रैल ही दिख रही है, लेकिन आपकी डेट एक्चुअल में चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी डेट 1 मई ही शो होगा, 1 अप्रैल नहीं शो होगा, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे 1/5/2024 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें एक सप्लायर पार्टी का लेजर बनाना है जिसने हमें ये बिल दिया है। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट की क्या प्रेस करना चाहिए, Alt+C प्रेस करना चाहिए। ये Alt+C प्रेस किया हमने और यहाँ पे जो सप्लायर पार्टी है उसका नाम है सप्लायर ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं सप्लायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सप्लायर ए, ठीक है। तो ये हमारी सप्लायर पार्टी है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे ग्रुप में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो सप्लायर पार्टी का जो ग्रुप होता है हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर ही होता है। एस प्रेस करते ही सारे ग्रुप हाईलाइट हो जाएंगे, आप सन्ड्री क्रेडिटर रख लीजिएगा, एंटर एंटर करके। और यहाँ पर एक ऑप्शन देखिएगा, ये ऑप्शन अगर आप नो कर देते हैं ना तो आपका अगेंस्ट रेफरेंस वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर आप इसे नो कर देते हैं, एन प्रेस करके एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर एंटर करके स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा, बाकी सारी डिटेल भरते हुए एंटर करते हुए नीचे आ जाएगा, इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जब तक आप लास्ट तक एंटर 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 नहीं करेंगे तब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा, या फिर आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं Ctrl+A, ठीक है। एंटर करिए, एंटर करिए, इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए। आपका GSTIN नंबर जो भी दिया गया है सप्लायर पार्टी का वो आप भर सकते हैं, एंटर करिए। और यहाँ पर आता है परचेज का लेजर। तो देखिए ऑलरेडी परचेज का लेजर बनाया हुआ है मैंने, तो ये परचेज अकाउंट का ये लेजर जो है इसमें इंसर्ट कर लीजिए। आप इंसर्ट कर दिया, अगर आपने नहीं बनाया तो क्या करना है, Alt+C करके ये विंडो आएगी, यहाँ पर लिखिएगा परचेज अकाउंट। यहाँ पर जो सन्ड्री क्रेडिटर आपको ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर आपको कर देना है क्या, परचेज अकाउंट, ठीक है। और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना, आपका परचेज अकाउंट का लेजर बन जाएगा। फिलहाल हमने बना रखा है तो हम उसी को लगा लेते हैं। अब जो सप्लायर पार्टी द्वारा बिल मिला है उसमें बात करी गई है किसकी किसकी, जैसे मान लीजिए कि सप्लायर पार्टी ने बात करी है आशीर्वाद आटा की, तो Alt+C करके हम यहां पर एक जो है स्टॉक आइटम बना लेते हैं आशीर्वाद आटा, ठीक है। यहां पे लिख दिया तो ये हो जाएगा, इसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए नीचे आते हैं। यहाँ पे ग्रुप क्या देना है, जैसे कई बार हम ग्रुप दे देते हैं ग्रोसरी का, जैसे आशीर्वाद आटा क्या है, ग्रोसरी आइटम ही तो है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे प्राइमरी रख देते हैं। और आशीर्वाद आटा बेचा जाएगा तो वो नंबर्स में नहीं बिकेगा, आटा कभी भी नंबर्स में नहीं बिकता है, वो किलो में या जो है ग्राम में, जैसे 500 ग्राम ऐसे, तो किलो ही एक्चुअल मान के चलेंगे हम क्योंकि किलो में ही बिकता है। तो Alt+C करके यहाँ पे यूनिट भी बना लेंगे। कई बार आप यूनिट नहीं बनाते हैं तो आपका कर्सर सीधा अमाउंट पे चला जाता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे, देखिए यहाँ पर बाहर आते हैं, अगर आपने यूनिट नहीं बनाया, नॉट एप्लीकेबल छोड़ दिया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया और एंटर करते हुए यहाँ आ गए, तो क्वांटिटी में ना जाकर के कर्सर कहाँ चला गया, सीधा चला गया किस में, यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट में चला गया। तो हमारे साथ ऐसा ना हो इसके लिए जरूरी है यूनिट बनाना। अब अगर नहीं बनाया तो क्या करेंगे, एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आएंगे, ये आ गए गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हमें कहाँ जाना है, इन्वेंट्री इन्फो पर, ठीक है। चूंकि ये टैली ERP 9 है तो हमें इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है और यहाँ पर आई बटन प्रेस कर देना। आई बटन प्रेस करते ही ये विंडो ओपन हो जाती है, यहाँ पर आपको मिलेगा इन्वेंट्री इन्फो। तो यहाँ से आपको सीधा कहाँ चले जाना है, आई बटन प्रेस करके और स्टॉक आइटम में आ जाना है और हमें अल्टर करना है, ठीक है। अल्टर ऑप्शन पर जाना है। अल्टर ऑप्शन क्यों यूज होता है, क्योंकि हम बनाए गए स्टॉक आइटम में या लेजर्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम अल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो ए प्रेस कर देंगे, अल्टर ऑप्शन पे आ जाएंगे। आशीर्वाद आटा में हमने क्या नहीं बनाया था, यूनिट नहीं बनाया था, तो एंटर एंटर करके आइए। अब यहाँ यूनिट बनाइए, Alt+C कर दीजिए और यहाँ पर kg कर देते हैं, सिंबल में kg कर दिया। फॉर्मल नेम में हम क्या करेंगे, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है।
ये हो गया। अगर आप क्विंटल में डील करते हैं तो क्विंटल का भी बना सकते हैं। और यहाँ पे किलोग्राम के लिए यूक्यूसी कोड है, यूक्यूसी कोड का मतलब होता है यूनिट क्वांटिटी कोड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किलोग्राम्स दे देना है, यहाँ पे एंटर करिए। अब चूंकि मान लीजिए कि कोई सामान एक किलो बिकता है और अगर आधा किलो बिकेगा तो 0.500 ग्राम हो जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 रख लेते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कराएंगे। अगर आप जीएसटी, चूंकि मैंने पहले से इनेबल किया हुआ है, अगर आप अलग से जीएसटी देना चाहते हैं तो यहाँ से यस कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ऐसा नहीं करेंगे, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, यानी आशीर्वाद आटा जो है एक स्टॉक आइटम हमने बना लिया। 678 नंबर का बिल था, अब हमको वही एंट्री दोबारा से करनी है, क्योंकि वो एंट्री हमने एक्सेप्ट नहीं कराई थी, क्योंकि हमारा क्वांटिटी जो है वो हमने बनाया ही नहीं था। तो यहाँ वी बटन प्रेस करके वापस आ जाते हैं परचेज वाउचर में और 678 नंबर का बिल यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें सप्लायर पार्टी का लेजर बनाना था, तो ऑलरेडी हमने सप्लायर पार्टी का लेजर बनाया हुआ है, सप्लायर ए नाम है इनका, तो ये हो गया। और एंटर एंटर करके अब देख लेना है कि इनका स्टेट क्या है। तो स्टेट हमारा सेम है, उत्तर प्रदेश ही है। इनका जीएसटी आई एन नंबर जो भी होता हो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, जो भी इनका जीएसटी आई एन होता हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा, तो परचेज अकाउंट का ग्रुप वगैरह मैंने पहले ही बता रखा है, एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम की बात थी, तो कौन से स्टॉक आइटम की बात थी, तो स्टॉक आइटम हमारा था जिसका नाम था क्या, यहाँ पर स्टॉक आइटम हमने आशीर्वाद आटा के नाम से बनाया था, तो ये आशीर्वाद आटा ले लिया हमने। देखिए यहाँ पर अभी आपको स्टॉक आइटम में, जैसे देखिए कीबोर्ड है ना तो 100 NOS शो कर रहा है, माउस जो है 100 NOS शो कर रहा है, लेकिन आशीर्वाद आटा का तो स्टॉक आइटम ही केवल बना है, ना परचेज किया गया ना सेल किया गया। और अगर आप परचेज करेंगे तभी आप सेल कर पाएंगे, परचेज की एंट्री तो आपको अपने कंपनी में करनी ही करनी है, विदाउट परचेजिंग आप सेल नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। टैली सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, परचेज और सेल्स का काम करते हैं, तो ये तो आपको करना ही करना है, ये बात 100% गारंटीड याद रखिएगा। यहाँ पे आशीर्वाद आटा लगा लिया हमने, हम 50 किलो आशीर्वाद आटा जो है ले लेते हैं। तो यहाँ पे 50 किलो यहाँ पे डाल दिया हमने क्वांटिटी, देखिए केजी अपने आप आ गया है, ठीक है। और एक किलो आशीर्वाद आटा की कीमत जो है यहाँ पर पड़ी 30 रुपए, ठीक है, खरीद रेट है ये। और इसी तरीके से तो 50 किलो का जो पैकेट हुआ वो कितने का हुआ, 1500 रुपए का हुआ, तो ये डाल दिया हमने, ठीक है। अब एंटर करके यहाँ आते हैं, यहाँ पर आपको अल्ट सी करके एक लेजर बनाना है, अल्ट सी शॉर्टकट की होती है, आप अल्ट सी करके लेजर बना सकते हैं। अगर आप टेली प्राइम यूजर हैं तो टेली प्राइम में तो और भी आसान है, वहां क्रिएट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है और वहां से आप सीधा क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेजर क्रिएट कर सकते हैं या स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं इजिली, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें सीजीएसटी का लेजर लगाना है, ठीक है। तो सीजीएसटी का लेजर हमारे पास पहले से है या नहीं है ये देखना होगा। तो देखिए ये सीजीएसटी का लेजर जो है हमारे पास पहले से है, अगर नहीं होता तो वही अल्ट सी करके हम बनाते, ठीक है। अल्ट सी करके कैसे बनाते एक बार वो भी दिखा देता हूं। अल्ट सी किया, यहां पे आए, यहां पे लिख देते हैं हम सीजीएसटी, सीजीएसटी चूंकि सीजीएसटी नाम से बनाया है तो ये डुप्लीकेट वैल्यू कर देगा, तो इसी वजह से सीजीएस लिख करके मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या करना है। यहां पर आपको ग्रुप रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस का, तो यदि डी प्रेस करते ही सारे ग्रुप्स अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है, आपको कहीं काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन ये याद रखिएगा कि परचेज वाउचर जब भी आप कहीं काम करेंगे, चाहे आप जहां भी काम करते हो, याद रखिएगा कि आपको पहले परचेज में एंट्री कर लेनी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपने परचेज कितने में किया है तो आप सेल कैसे करेंगे और कितना स्टॉक आइटम है आपके पास परचेज करने के लिए, ये भी आपको क्लियर जो है तभी होगा जब आप परचेस कर लेंगे। तो सेल कितना करना है ये तभी क्लियर होगा जब आप परचेस कर लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से डी प्रेस किया, तो डी जो है यहां पर डी वाले जो ग्रुप्स हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। अब हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखना है क्योंकि ये हमारा टैक्स है और यहां पर आपका आता है जीएसटी, तो यहां पर जीएसटी लगा लीजिएगा। और चूंकि जीएसटी में हमने सी जीएसटी बनाया है तो सेंट्रल टैक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक हाईलाइट होता हुआ मिलेगा, तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स लगा लीजिएगा और एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। फिलहाल तो हमने बनाया है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं, तो बाहर आते हैं, इसके बटन प्रेस करके बाहर आ गए। अब यहाँ पे सी जीएसटी प्रेस करते हैं, देखिए सी जीएसटी आ रहा है और एंटर करते हैं, यहाँ पे सी जीएसटी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर एंटर करते हैं और फिर यहाँ पे एसजीएसटी लगाते हैं, तो सीजीएसटी जब भी लगाया जाएगा तो उसके साथ एसजीएसटी लगाना ही लगाना है, ये याद रखिएगा। ये सीजीएसटी के साथ हो गया, एसजीएसटी दोनों ही आ गया, देख सकते हैं 90-90 रुपए के हिसाब से दोनों ही आ गया है। लेकिन जब भी सेम स्टेट का मामला होगा तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी आएगा ही आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, समझ आ रही है बात। अब देखिए अब आपको एंटर करना है, एंटर करते हुए नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहां पर आकर के आपको नरेशन डालना है। नरेशन का क्या मतलब होता है, नरेशन का मतलब ये होता है कि काम क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो चूंकि परचेजिंग का काम हो रहा है तो यहां पे हम लिख देते हैं द गुड्स हैव बीन, यहां पे लिख दिया हैव HAVE बीन परचेज्ड PURCHASED ऑन क्रेडिट,
ठीक है, ये हमने दे दिया और ये देकर के एंटर करके इसे एक्सेप्ट आप करा लीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहां पर समझने वाली बात है, हमने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इस ऑप्शन को ही नो कर दिया था जैसा कि आपको याद ही होगा, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या दिक्कत आएगी। अब हमको परचेज के बाद जैसा कि आप जानते ही हैं कि पेमेंट करना है, ठीक है, पहले बार में पेमेंट वाउचर ही आया था, शॉर्टकट की क्या थी, F5। तो हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं, हम आ चुके हैं पेमेंट वाउचर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये पेमेंट वाउचर का सिंगल एंट्री मोड है। अगर आप डबल एंट्री मोड में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो भी आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको डबल एंट्री मोड में ही जाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे F11 और F12 बटन दिए हुए हैं, तो यहाँ से F12 बटन आप प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, नहीं तो वहां क्लिक भी कर सकते हैं। और यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड किसमें किसमें यूज होता है, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और कंट्रा वाउचर में यूज होता है जनरली। ठीक है, तो ये सिंगल एंट्री मोड यस है, तो इसको नो कर दीजिए, डबल क्लिक कीजिए या यहां पर एन बटन प्रेस करके, एन प्रेस करके एंटर कर दीजिए। तो ये हो गया सिंगल एंट्री मोड, ठीक है, सॉरी सिंगल एंट्री मोड ऑफ हो गया। अब क्या करना है, यहां पर नीचे आना है और देखिए यहां पे लिखा हुआ है यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टीड ऑफ 2/by ड्यूरिंग एंट्री, तो यहां पर इसको यस कर दीजिए, यस करके एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर एंटर करके लास्ट तक एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये एक्सेप्ट हो गया, आप देखिए यहां डेबिट क्रेडिट ऑप्शन शो होने लगा। ठीक है, अब एक सवाल ये भी है कि सर यहाँ पे डेबिट आ रहा है, हमें यहाँ पे अगर क्रेडिट लाना हो तो क्या करेंगे, तो लिया है उनको पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो सप्लायर पार्टी है उसका नाम है सप्लायर ए, तो सप्लायर ए का लेजर लगाएंगे और जैसे ही लेजर लगाएंगे तो नीचे कीमत इनको कितना पे करना है वो नीचे शो होगा। जैसे मान लीजिए हम 1600 ही पे कर देते हैं, तो यहाँ 1600 रुपये डाल दिया, एंटर कर दिया और एंटर करते यहाँ देखिए डेबिट आ रहा है। अब कई बार सवाल ये भी आया है, अभी हाल ही में सवाल ये पूछा गया कि सर नीचे डेबिट ही हो रहा है तो उसको क्रेडिट में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप देखिए जैसे ही यहाँ आएंगे ना तो ये ब्लिंकिंग कर्सर होगा आपका, यानी यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। देखिए ये कर्सर जल रहा है, बुझ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसे हो रहा है ना, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर DR जो लिखा हुआ है इसको CR लिख दीजिए, यानी यहाँ एंटर करके नीचे आइए, देखिए यहाँ पे DR को CR बना दीजिए, या CR अगर आपको नहीं चाहिए, क्रेडिट नहीं चाहिए तो यहाँ पे DR लिख सकते हैं, तो फिलहाल हमें CR चाहिए यानी क्रेडिट चाहिए, तो यहाँ पे क्रेडिट लेके आ गए। और मान लीजिए ये पैसा हम कैश में इनको पे कर रहे हैं, 1680 रुपये था लेकिन हम 1600 रुपये ही कैश पे कर रहे हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अगेंस्ट रेफरेंस वाले में अपने आप कर्सर आ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बिल नंबर भी आ रहा है, पेंडिंग बिल बता रहा है, यहाँ पे एंटर करिएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ एंटर करना है, देख सकते हैं यहाँ पर पेंडिंग बिल भी लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको खाली क्या करना है, यहाँ पर आकर के एंटर भर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करके फिर यहाँ कैश करिएगा, नीचे भी 1600 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से, यहाँ पर चूंकि कैश हमारा माइनस में जा रहा है, देखिए इतना माइनस में है, तो चलिए इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पैसे की रिसीविंग होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में यहाँ पर जो कैश है ये यहाँ पर शॉर्टेज है, ठीक है, लेकिन तरीका यही है करने का, ठीक है ना। तो ये आप एंटर करके इसे एक्सेप्ट करवा लीजिएगा, ठीक है, एंटर करिए और एक्सेप्ट करवाइए, और ये अगेंस्ट रेफरेंस वाली विंडो इस तरीके से आ जाएगी। लेकिन अभी कैश जो -82,000 में जा रहा था उसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसीव कराना पड़ेगा कैश, तो रिसिप्ट वाउचर यानी F6 में जा करके और यहाँ पे क्रेडिट करना होगा। किसको क्रेडिट करना होगा, तो यहाँ कैपिटल डालना होगा हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको कैपिटल ही लिखना है क्योंकि ये बिजनेस में लगाया जाने वाला फंड है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कर दीजिए, अंडर कैपिटल अकाउंट ये जाएगा, एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा और एक्सेप्ट करा के यहाँ पे जो भी कैपिटल आप डाल रहे हैं वो कैपिटल यहाँ पे दे दीजिए, एंटर करिए और यहाँ पे ये कैश में दे रहा है। अगर आप बैंक से जाना चाहते हैं तो बैंक के थ्रू भी जा सकते हैं, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, वही चीज़ जो माइनस में दिख रही थी वो माइनस में नहीं दिखेगी। अब इसमें देखिए यहाँ पर डे बुक में जाएंगे, देखिए गेटवे ऑफ टैली है और यहाँ से चाहे तो आप डे बुक में जा सकते हैं, और डे बुक में जा करके जब आप यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ पेमेंट में आपको नेगेटिव में दिख रही थी, जैसे यहाँ पर आइए तो ये जो है जो रेड में दिख रहा था कैश, वो अब जो है रेड से हट गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कैश जो है रेड से हट गया, यानी हमारे पास पर्याप्त कैश है देने के लिए, देख लीजिए यहाँ पर। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।